डायबिटीज का नेचुरोपैथी के द्वारा कैसे इलाज संभव है यहाँ? डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है ये इनडाइजेशन की बीमारी है, बदहजमी की बीमारी है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, सुबह उठ के प्राणायाम और एक्सरसाइज और वॉक करें, सूर्य स्नान करें और अपने भोजन के अंदर अनाज की मात्रा को कम कर दें, गेहूं के आटे में किसी भी सब्जी को मिला के रोटी बनाएं, घीये की सब रोटी बना सकते हैं, घीये को कद्दूकस करके उसमें चोकर सहित गेहूं का आटा मिला लें, पालक की रोटी बना सकते हैं, मेथी की, बथुआ की, चौलाई की, जो भी मौसम की सब्जी हो उसको मिला के रोटी बनाएं। जो हम अनाज खाते हैं वो अंदर जाके ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। अगर हम कंपोजिट रोटी खा रहे हैं, हर्बल रोटी खा रहे हैं, तो अनाज आधा हो जाएगा। कोई व्यक्ति 2 रोटियां खाने का आदी है, उसको 2 रोटियां ही मिलेगी, लेकिन अनाज 1 रोटी का अंदर जाएगा। लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके हम डायबिटीज़ से बिना दवाई के मुक्ति पा सकते हैं, डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। एक बेल पत्थर होते हैं जो भगवान शंकर पे चढ़ते हैं, वो बेल पत्थर एक पान के साइज जितने ले लीजिए, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन एक पान जितने वो बन जाए मात्रा में, उसको पीस के थोड़ा सा पानी मिला के छान के उसके जूस को पिया जा सकता है, उसको पेठे के रस में मिला के पिया जा सकता है, या उसको ऐसे ही चबाया जा सकता है। बेल पत्थर के प्रयोग से डायबिटीज जल्दी ठीक होता है। एक कड़ी पत्ता होता है जिसको मीठी नीम भी कहा जाता है, तो जो साउथ इंडियन कड़ी में डालते हैं, कड़ी पत्ते के प्रयोग से भी डायबिटीज जल्दी ठीक होता है। एक सफ़ेद पेठे का रस होता है जिसकी हलवाई मिठाई बनाते हैं, वो वाला आगरे का कच्चा पेठा सब्जी की दुकानों पे मिलता है, उसका एक गिलास जूस का सुबह खाली पेट पीने से बहुत लाभ होता है। तो डायबिटीज़ वालों को मैं कहना चाहूँगा कि सुबह के वक्त में पेठे का रस खाली पेट पीना शुरू कर दें, बेल पत्रों को प्रयोग करें, एक भोजन में कच्चे सलाद रख लें, एक भोजन में फल रख लें, तो लाइफस्टाइल को ठीक करने से उबली हुई सब्जी के साथ कंपोजिट रोटी, सब्जी मिली हुई रोटी खाएं, डायबिटीज़ को हम बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं।